हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शारदा मनलेकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेस आई एक्सप्लेन डिग्री ऑफ वर्टेक्स। ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर वी आर ऑलरेडी लर्न अबाउट डायरेक्टेड ग्राफ, इनडायरेक्टेड ग्राफ एंड सिंपल ग्राफ। ओके, सो आज हम रीड करेंगे कि किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, डिग्री हम कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, ये भी हम ग्राफ में ही शो करेंगे। ग्राफ ग्राफ वर्टेक्स एंड एजेस के सेट से मिलकर ग्राफ फाइंड होता है। ओके, सो फर्स्टली आई रीड डेफिनेशन। द नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड विथ अ वर्टेक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ वर्टेक्स। किसी वर्टेक्स की डिग्री हम किसे कहेंगे, जिस वर्टेक्स से कितनी एजेस कनेक्टेड है। सो जितनी एजेस कनेक्टेड होगी वही उस वर्टेक्स की डिग्री होगी। ओके, सो हमने डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ पढ़े हैं। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ की लिंक, वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। सो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है सो फर्स्ट में आप वो वीडियो देखिए डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ का, देन आपको इजीली शो हो जाएगी कि डायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन शो होते हैं एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ में कोई भी डायरेक्शन हमें शो नहीं होती है ना। सो वर्टेक्स की डिग्री टू टाइप से हो सकती है, इन डिग्री एंड आउट डिग्री। ओके, सो वी हैव इन एन एग्जांपल, इस एग्जांपल में देखिए फोर वर्टेक्सेस है, V1, V2, V3, 4, ओके, V4 एंड एजेस E1, अगर ये E1 है, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो इसमें आपको एक सेल्फ लूप भी शो हो रहा है। सो सेल्फ लूप में क्या होता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होता है, एक ही वर्टेक्स में होता है ना। जैसे सो इसमें देखिए आप V1, डी ऑफ V1, डी दैट मीन डिग्री ऑफ V1, V1 वर्टेक्स की अगर हमको डिग्री फाइंड कर रहा है, ये इन डिग्री होगी। ओके, इन डिग्री, ठीक है, डी ऑफ V1। अब V1 में आप देखिए कितनी एजेस V1 की ओर आ रही है, वर्टेक्स V1 की ओर ओनली E1 एज आ रही है, इसकी डिग्री क्या होगी, 1। ओके, देन डिग्री ऑफ वर्टेक्स V2, वर्टेक्स V2 में कितनी डिग्री आ रही है, देखिए वर्टेक्स V2 में नो कनेक्टेड कितनी है, 1, 2, 3, 3 एजेस कनेक्टेड है, बट इसमें ओनली E3 एज आ रही है, ओनली 1 एज आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, ओनली 1, ये क्या है, इन डिग्री। ओके, डी ऑफ V3 एंड डी ऑफ V4, फोर वर्टिक्स हैं, हमें चारों की डिग्री फाइंड करना है। डी ऑफ V4, अब डी ऑफ V3, डिग्री ऑफ V3, V3 की डिग्री देखिए आप कि इसमें ये एक पॉइंट आ रहा है, ये एक एजेस यहाँ पर V3 में आ रही है, एंड जो सेल्फ लूप यहाँ पर फाइंड है, सो सेल्फ लूप में क्या होता है, किसी वर्टेक्स में अगर सेल्फ लूप है सो दैट मीन्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम होगा, सो यहाँ से स्टार्ट होकर यही आएगी, सो इसकी डिग्री क्या होगी, ये एक एज आ रही है और ये 2, इसकी डिग्री क्या होगी, 2, ठीक है, ये 1 है और ये 2 और ये 3, सॉरी देखिए ये E7 भी आ रही है, E4 भी आ रही है और E6 भी आ रही है, तो इसकी डिग्री होगी 3। V4 में देखिए V4 की ओर E5 जा रही है, E8 भी जा रही है और E2 भी जा रही है, 1, 2, 3, इसकी डिग्री भी क्या होगी, 3।
अब हमने जो ये डिग्री फाइंड किया ये किसके अकॉर्डिंग फाइंड किया? ये हमने फाइंड किया है इन डिग्री के अकॉर्डिंग फाइंड किया है, ठीक है, इन डिग्री के अकॉर्डिंग फाइंड किया है। अब हम फाइंड करेंगे आउट डिग्री के अकॉर्डिंग। आउट डिग्री दैट मीन्स जिस वर्टेक्स से जितनी एजेस जा रही है, निकल रही है, वो नंबर ऑफ एजेस को हम यहाँ पर राइट करेंगे, डी ऑफ वी वन एंड डी ऑफ वी टू एंड डी ऑफ वी थ्री एंड डी ऑफ वी फोर। अब वी वन में कितनी एज आउट डिग्री मतलब निकल रही है, ये वन टू और ये थ्री, थ्री एज निकल रही है, ओके। तो थ्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी, ये वन टू और ये थ्री, ठीक है। अब वी टू में देखिए आप, वी टू में कितने निकल रही है, वन टू, थ्री एज टोटल कनेक्टेड, थ्री एज है, बट ई थ्री एज यहाँ पर आ रही है बट टू एज यहाँ से निकल रही है ना, वन टू, तो इसकी डिग्री होगी आउट डिग्री टू। अब वी थ्री की डिग्री हमें फाइंड करना है, ये सेल्फ लूप है, सेल्फ लूप में इन और आउट दोनों हो रहा है, तो इन के लिए हमने ले लिया। अब आउट के लिए भी इसमें एक काउंट करेंगे, वी थ्री से निकल भी रही है, वन वन टू थ्री फोर, फोर एजेस यहाँ पर कनेक्ट है बट ये थ्री एजेस यहाँ पर आ रही है एंड वन टू ये एज यहाँ से निकल रही है और ये एज भी निकल रही है, सो टू इसकी क्या होगी, आउट आउट डिग्री होगी, ओके। ये वन ये टू, ऐसे आप देखिए वी फोर, डिग्री ऑफ वी फोर, डिग्री ऑफ वी फोर में देखिए आप क्या होगा, आउट डिग्री हमें फाइंड करना मतलब वी फोर वर्टेक्स से कितनी एज निकल रही है, ये वन निकल रही है और कोई टोटल वन टू थ्री फोर, टोटल फोर एजेस कनेक्टेड है बट ओनली वन एज यहाँ से निकल रही है ना, तो इसकी डिग्री होगी ओनली वन। क्लियर हुआ आपको इतना? देखिए हमें इन डिग्री और आउट डिग्री टू टाइप से फाइंड करना है बिकॉज यहाँ पर डायरेक्शन गिवन है ना, इन डिग्री दैट मीन्स जितनी एज आ रही है, सो डी ऑफ वी वन दैट मीन डिग्री ऑफ वी वन, वी वन की डिग्री क्या होगी, वर्टेक्स वी वन में देखिए इन, इन डिग्री हमें फाइंड करना वर्टेक्स वी वन में कौन कौन से डायरेक्शन वी वन के साइड गिवन है, ये फर्स्ट एंड वन टू थ्री फोर, फोर यहाँ पर एजेस कनेक्टेड है बट ओनली वन ही एज वी वन की ओर आ रही है, सो इसकी डिग्री होगी वन। एज वेल एज वी टू में देखिए वन एज ऑनली यहाँ पर आ रही है, बाकी दो टू एजेस यहाँ पर निकल रही है, आउट हो रही है ना, सो डी ऑफ वी टू भी वन ही होगा। देन थ्री में देखिए आप, थ्री में सेल्फ ग्रुप है तो इसमें ये एज यहाँ पर इन हो रही है एंड ये भी इन हो रही है, ये भी इन हो रही है, तो वन टू थ्री, थ्री एजेस क्या हो रही है यहाँ पर आ रही है ना, तो डी ऑफ वी थ्री की सॉरी वर्टेक्स वी थ्री की डिग्री क्या होगी, थ्री। एज वेल एज डी ऑफ वी फोर, वर्टेक्स वी फोर में डिग्री देखिए कितनी एजेस आ रही है, वन टू थ्री, थ्री एजेस आ रही है, सो थ्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी, ओके। देन डी ऑफ वी वन, ये आउट डिग्री हमने फाइंड किया है, ओके, ये क्या है, आउट डिग्री। आउट डिग्री, ठीक है। अब आउट कौन कौन सी एजेस हो रही है, देखिए डी ऑफ वी वन, ये मैंने समझने के लिए आउट लिखा है, ये आप आउट डिग्री फुल नोट करेंगे, डी ऑफ वी वन। अब वी वन से कितनी एज निकल रही है, देखिए ये वन निकल रही है, ये टू निकल रही है और ये थ्री, थ्री एज निकल रही है, तो डी ऑफ वी वन की आउट डिग्री होगी थ्री। एज वेल एज डी ऑफ वी टू, वी टू की आउट डिग्री कितनी होगी, ये वन एज निकल रही है, टू एज निकल रही है, सो टू इसकी आउट डिग्री होगी। वी थ्री की ये वन एज निकल रही है, ये टू एज निकल रही है, सो टू इसकी आउट डिग्री होगी। वी फोर में देखिए ये ओनली वन ही एज यहाँ से निकल रही है, सो वी फोर की आउट डिग्री वन होगी। सो आई होप कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स आपको क्लियर हुआ होगा। आपको जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।